नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सैन नवभारती परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज, क्लास 10th RBSC। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th RBSC। क्लास 10th RBSC ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। और ज्योग्राफी के चैप्टर में आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वाटर और रिसोर्सेज। जैसे कि यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज रिसोर्सेज। वाटर मीन्स जल, पानी, जो कि हमारी प्यास बुझाता है, हमारे लिए एक आवश्यक चीज है। हम बात करेंगे सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले कि रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, रिसोर्सेज का मतलब ऑल ऑफ द थिंग्स दैट फुलफिल आवर नीड्स, वो सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमें लक्ष्य की ओर, हमें हमारे उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। अर्थात वो सभी चीज जो हमारी आवश्यकताओं की क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन मेरे हाथ में है इस समय पर मेरी लिखने की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, क्लियर। जिस कैमरे में यह वीडियो शूट हो रहा है वह कैमरा भी, वह मोबाइल भी, वह वीडियो रिकॉर्डर भी, ये जो पीछे बोर्ड है जिसपे वाटर रिसोर्सेज की फाइल आपके प्रेजेंटेशन लगी हुई है, ये भी, लाइट रिसोर्सेज भी, स्टैंड भी, तमाम चीज़ें जिनके द्वारा मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो फिजिकल रिसोर्सेज में एक रिसोर्सेज है और वो रिसोर्सेज है वाटर। वाटर इज असेंशियल रिसोर्सेज, असेंशियल थिंग्स, एक जरूरी चीज है जिसके बिना अन्य रिसोर्सेज अधूरे अधूरे से रह जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। वाटर को रिसोर्स क्यों कहा गया है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है, पानी जो है, जल जो है, वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। चाहे हम उद्योगों की बात करें या हम पशुपालन की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, या लाइफ की बात करें, हमारे जीवन की बात करें, सभी में वाटर जो है एक रिसोर्सेज के रूप में एक अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलते हैं आगे की कड़ी की ओर। सबसे पहले हम एजेंडे की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया कि व्हाट इज द वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट क्या है। हम पढ़ेंगे कि वाटर के साथ पहले रिसोर्सेज था लेकिन अब उसके साथ में क्या जुड़ गया, मैनेजमेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड द रिसोर्सेज, जहां जहां रिसोर्सेज होंगे वहां वहां मैनेजमेंट का भी उपयोग जरूरी है, वहां वहां मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमारी जो नीड्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना पड़ता है, हमें उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान,
वाटर कंजर्वेशन आज की परंपरा नहीं है, पहले से चली आ रही है। और जो चीज़ पहले से चली आ रही है, पारंपरिक रूप से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है, उसे ट्रेडिशनल कहते हैं। ठीक है, वाटर सेल्फ हेल्प ग्रुप एक हेल्प ग्रुप जो कि वाटर सेव के बारे में एफर्ट्स करता है, लोगों को जागृत करता है। और चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना, जल स्वावलंबन योजना जो है उसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या बात कही गई, तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, देयर इज 71% वाटर एंड 29% लैंड इन अर्थ सरफेस। 71% वाटर एंड 29% लैंड इन अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है, जो धरातल है, अगर हम उसको देखें, ठीक है, अगर हम हमारे पृथ्वी के धरातल को देखें तो पता लगता है कि धरातल पर 71% कितना परसेंट है, 71% पानी है। 71% पानी है और 29% क्या है, जल है, वाटर। 97% पार्ट ऑफ वाटर इज सलाइन वाटर विच इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशियंस। अब बात करते हैं कि लैंड केवल 29% है। देखिए हमारी अर्थ सरफेस पर कितना ज्यादा वाटर बॉडीज है ना, और वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो 71% वाटर है, और उस 71% का कितना परसेंट है, 97%। 71% का 97% जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ वाटर इज सलाइन वाटर। सलाइन मतलब खारा पानी है, जिसे हम पीने के यूज में, एग्रीकल्चर के रूप में हम काम में नहीं ले सकते। फाउंड इन फॉर्म्स ऑफ सी एंड ओशियंस। तो हम बात कर रहे हैं कि 97% वाटर है, लेकिन वो कैसा वाटर है, सलाइन वाटर है, खारा पानी है, जिसे हम पीने के यूज में नहीं ले सकते। रिमेनिंग 3% वाटर, 97, 71% वाटर है, पानी खूब है, लेकिन उसका 97% जो खूब दिखता है पानी, की पूरी पृथ्वी की धरातल पर खूब पानी है, लेकिन उसका 97% तो यूजलेस है, ठीक है, वो सलाइन वाटर है। और यहां जो बात कर रहे हैं, रिमेनिंग जो है 3% वाटर इज यूज बाय अस, और हमारे द्वारा 3% वाटर को यूज लिया जाता है। आउट ऑफ दिस 69% इज फाउंड इन फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स। और ये जो 3% वाटर जो है, जो हमारे पीने के लायक है, जो हमारे यूज करने लायक है, उसका 69% वाटर जो है वो किस रूप में है, ग्लेशियर रूप में है। ठीक है, जो पृथ्वी के, धरती के, अर्थ के नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पर जो ग्लेशियर्स हैं वहां है, तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स के रूप में ये 69% जो वाटर है, जो हमारे पीने योग्य, ड्रिंकिंग के लायक है, वो पानी जमा हुआ है। 30% इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और 69 में से अगर हम देखते हैं तो 30% किस में है, अंडरग्राउंड वाटर में है, तो अंडरग्राउंड वाटर है। बट ओनली 1% पार्ट ऑफ वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर इकोनॉमी की एक्टिविटी। देखिए सिर्फ और सिर्फ 1%, 71% में से कितना हमारे पास बच रहा है, 71 में से ओनली 1% वाटर जो है वो हमारे यूजेबल है, बाकी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो दिखने में तो पानी बहुत दिख रहा है, पृथ्वी के सरफेस पे बहुत ज्यादा पानी है, 71% वाटर है, 29% लैंड है, लेकिन हमने उसका
कंक्लूजन निकाला तो पता लगा कि 97 तो सलाइन वाटर है, 3% बचा, उस 3% का भी 69% क्या निकल गया, ग्लेशियर निकल गया। 30% क्या निकल गया, अंडरग्राउंड ओनली 1% है जो सरफेस पे है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इन टू सीज थ्रू रिवर्स, सो वी नीड टू अडॉप्ट वाटर मैनेजमेंट टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग ड्रॉट एंड फेमाइट। बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो रेन वाटर है वो हमारे यहां पर वेस्टेज होता है। वेस्टेज कैसे होता है, जब वर्षा ऋतु आती है, रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन में अच्छी खासी बारिश राजस्थान में, इंडिया में, सभी जगह पर होती है, ठीक है। और उस समय पर वो जो बरसात का जो पानी है, जो कि शुद्ध पानी है, ठीक है, पीने योग्य पानी है, वह पानी क्या होता है, नालों में, नदियों में बह करके समुद्र में चला जाता है। मोस्ट ऑफ रेन वाटर गोज वेस्टेड इन टू सीज, और वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, थ्रो रिवर्स। सो वी नीड टू अडॉप्ट वाटर मैनेजमेंट, इसलिए वाटर मैनेजमेंट की मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, वाटर मैनेजमेंट। जहां जहां पर रिसोर्सेज होंगे वहां वहां पर मैनेजमेंट यूज होगा। क्यों यूज होगा मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, वो हमें रिसोर्सेज का यूज करना सिखाता है, रिसोर्सेज की यूटिलिटी बताता है, हमें इंपॉर्टेंस बताता है, हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, हम उन रिसोर्सेज का यूज कैसे करें। और यहां पर भी जो रिसोर्सेज के रूप में जो वाटर जो है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो वेस्टेज ना जाए और हमारी जो नीड्स है, हमारी जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल कर सके। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, मैनेजमेंट की। क्लियर। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आपको पता है पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, जो जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड जो थ्योरी है वो भी बढ़ती जाएगी, डिमांड भी बढ़ती जाएगी, वाटर की डिमांड, फूड की डिमांड, हर चीज की डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन एंड डिमांड दोनों बढ़ रही है, तो हमें किस चीज की नीड होगी, हमें नीड होगी मैनेजमेंट की। हमें नीड होगी मैनेजमेंट की। क्लियर। वाटर मैनेजमेंट, अच्छा, वाटर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रेन वाटर, और ये जो मैनेजमेंट है ये क्या करेगा, तो ये मैनेजमेंट यूटिलाइजिंग करेगा किसका, रेन वाटर सिस्टम, रेन वाटर, जो रेन वाटर में बहुत सारा पानी जो है, बहुत सारा जल जो है वो वेस्टेज हो जाता है, वैसे ही नदी नालों में बह जाता है, उसका क्या करेंगे, यूटिलाइजिंग करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। वाटर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग। अब देखिए यहां पर डेफिनेशन आ रही है, व्हाट इज द वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट एंड वाटर दो अलग चीज। जब मैनेजमेंट एक्टिविटी का यूज हम वाटर के साथ करते हैं, पानी को बचाने में, जल को बचाने में हम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को एडॉप्ट करते हैं, मैनेजमेंट की क्रियाओं को अपनाते हैं, प्रबंधन की क्रियाओं को अपनाते हैं, तो उसे जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। देखते हैं, वाटर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग। वाटर मैनेजमेंट क्या है, तो एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले बताओ प्लानिंग क्या है। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है हम जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में सोच विचार करना, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, हाउ डू इट, है ना, हम उस काम को कैसे करें।
तो वाटर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर जो रिसोर्सेज है उसकी नीड ज्यादा है, उसकी डिमांड कम है, उसकी सप्लाई कम है, ऐसी कंडीशन में हम मैनेजमेंट को अपनाएंगे। हम मैनेजमेंट को अपनाएंगे और मैनेजमेंट में सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, उसका डेवलपिंग करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग करेंगे और उसका ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज का मतलब है उसकी बूंद बूंद, उसका कतरा कतरा जो है उसका सदुपयोग हो, उसकी एक एक बूंद का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग न हो। व्हाट इज बेसिक नेसेसिटी? पानी, जल हमारी जो है वो बेसिक नीड है, हमारी बेसिक आवश्यकता है, आधारभूत जिसे हम कहते हैं, आधारभूत आवश्यकता है। नो लिविंग क्रिएचर्स कैन लिव विदाउट वाटर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु बिना जल के, बिना पानी के, बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकता। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। टू अवॉइड दिस स्कैर्सिटी वाटर नीड टू बी सेव्ड एंड मैनेज एफिशिएंटली, प्रभावपूर्ण तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, टू अवॉइड दिस स्केयरसिटी, हमें इस स्केयरसिटी को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा और वाटर को बचाना पड़ेगा। वाटर नीड टू बी सेव्ड एंड मैनेज, और हमें जल को बचा करके, पानी का सदुपयोग करके हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डेम। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पज? जब एक चीज से बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हो, एक काम करने से बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज। क्या बोलते हैं उसे, मल्टीपर्पज। कैसे? देखिए यहां पर हम डैम की बात करेंगे, ठीक है, और इससे सीखेंगे कि कैसे मल्टीपर्पज है डैम। ये आपको पिक्चर में एक डैम दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार से डैम बने होते हैं, ठीक है। पानी का एक प्रवाह होता है, पानी का एक वाटर बॉडी जो है वो काफी बड़ी मात्रा में, किसी नदी वगैरह होती है, उसको इस जगह से रोका जाता है जहां पर नेचुरल रुकावट हो, ठीक है। उस नेचुरल रुकावट के साथ में आर्टिफिशियल रुकावट के रूप में एक दीवार बना दी जाती है जो उस पानी को रोकती है, जो उस जल को फ्लो होने से रोकती है, और फिर धीरे धीरे उस पानी का यूटिलाइज किया जाता है, उसको प्रवाहित किया जाता है, उसको फ्लो किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। इसे हम डैम कहते हैं। डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर यूज ऑफ वेरियस पर्पजेस लाइक। डैम्स जो होते हैं उनसे, एक डैम बनाने से कई प्रकार के जो हमारे प्रोजेक्ट है, कई प्रकार के हमारे जो पर्पज हैं वो पूरे होते हैं। और आपको मैंने बताया था कि जब किसी एक काम से कई सारे पर्पज, कई सारे प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मल्टीपर्पज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पर्पज पूरा हो रहा है वो है वाटर सप्लाई। यस, हमने पानी को रोका हुआ है, ये दीवार बनी हुई है, ये वॉल बनी हुई है, और इसके द्वारा हमने पानी को रोक लिया। इसका मतलब जो पानी फ्लो होकर के व्यर्थ में, बेकार में बह रहा था, उसको हमने रोक दिया, और हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम इसको फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमारी वाटर सप्लाई की जो हमारी नीड है वो पूरी हो रही है। इरिगेशन की हमारी नीड है वो पूरी हो रही है इसके द्वारा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यहां पर बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। पानी का जब बड़ी मात्रा में फ्लो होता है तो उसे बड़े बड़े जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जी हाँ बिल्कुल, इनमें बोट है, छोटे शिप वगैरह जो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है, तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन काम भी करता है। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ वगैरह की स्थिति जो होती है उसको भी रोकते हैं। फिशरीज, मछली पालन, हाँ
फिशरी जब पानी वाटर बॉडीज यहाँ पर बनेगी, काफ़ी सारा पानी इकट्ठा होगा, तो इसमें आसानी से मछली पालन का जो कार्य है वो भी किया जा सकता है। ड्रॉट कंट्रोल, अब देखिए ड्रॉट कंट्रोल हो रहा है क्योंकि पानी को हमने इकट्ठा कर लिया, पानी को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कलेक्टेड वाटर जब रहे हमारे पास ऑल टाइम रहेगा, रिवर्स जो होती होता क्या है, जब रेनी सीजन होता तो रिवर्स काफ़ी मात्रा में फ्लो होती है, रेनी सीजन चला जाता है, जब समर सीजन आता है तो जो रिवर होती है सूख जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर पानी को कलेक्ट कर रखा है तो पानी सूखता नहीं है, बना रहता है, तो इससे हमारी ड्रॉट कंट्रोल बने रहते हैं। टूरिस्ट स्पॉट इटीसी एक्सेट्रा, जब यहाँ पर अच्छा हमने इसको डेवलप्ड कर रखा है, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, इसका एक अलग स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको अच्छा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी इसको हम काम में ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि मल्टीपर्पज डैम्स जो है उनको मल्टीपर्पज कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट व्हाई इज इट सो कॉल्ड, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए वाटर स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करते हैं, प्रोवाइड एफोरेस्टेशन इन द कैचमेंट एरियाज, कैचमेंट एरियाज जो होते हैं भराव वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन भराव वाले क्षेत्र के अंदर ये क्या करते हैं, एफोरेस्टेशन तैयार करते हैं, सोइल कंजर्वेशन करते हैं, सोइल को बहने से रोकते हैं, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी हमें उपलब्ध करवाते हैं, यूज कैनाल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए कैनाल सिस्टम जो है वो प्रदान करते हैं, डेवलप पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मतलब मछली पालन, ठीक है, डेवलप रिक्रिएशनल सेंटर्स, और रिक्रिएशनल सेंटर के रूप में जो डैम्स होते हैं वो जाने जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपको कैसा लगा, हमने इस वीडियो में पढ़ा है जनरल चीजें कि एक तो जो वाटर रिसोर्सेज है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, और डैम्स जो है उनको मल्टीपर्पज क्यों कहा जाता है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।